और अब हम लोग आए हैं अलीपुर जू यानी कि चिड़ियाघर। यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस जू है अलीपुर जू, तो उसी जू में हम लोग जा रहे हैं अभी। और बहुत जल्दी अंदर की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पीके हैं और बहुत अच्छे अच्छे व्यू होगा जो आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के। चलिए चलते हैं आपको साथ में और चलते हैं। गाइस मैं अभी यहाँ जू में आ चुका हूँ और यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ दिख रही है। और अभी जस्ट हम लोग स्टार्टिंग किया है, हम लोग जस्ट स्टार्ट किया है। मेरे पीछे देख सकते हैं लाखों में संख्याएं आ रही है और पगली हुई है और भी बहुत लोग हैं और स्टार्टिंग में तो हम लोग अभी बर्ड से ही स्टार्ट किए हैं। तो लग रहे हैं ना काफी जोर से लगी हुई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे भैया क्या कहें, आपको बोलते हुए लोग शर्माते हैं पर हम जी से दिल खोल के बोलते हैं, जो ये करने के बाद सुकून मिलता है ना, वैसा सुकून कहीं नहीं है। गलत कहा तो बोलिएगा, ये चीज कर लीजिएगा ना, जब तक लग रहा है कहाँ जाए कहाँ कर ले, मगर जैसे ही निकाल लीजिएगा बड़ा सुकून मिलता। बहुत परेशान था भाई, ये जाधव जी के वजह से हमें बाथरूम मिला खाली कर लिए इनका आसान मंजा में। और चलिए भाई अगर आपको भी सुकून मिला हो वीडियो देख के तो लाइक कर दो यार और कमेंट बॉक्स में मारो। सर सर बताइएगा कमेंट में, आपको कभी आती है कष्ट के तो कैसा लगता है, लगता है कहाँ चले जाए यार। पर आजकल का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कृपया आप साथ दें, हर एक जगह ना करें, देखें कहाँ पे करने लायक वहीं पे करें। यह हमारे लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग को थोड़ा सा करना बनता है यार। सो गाइस ये है जू का सबसे रौनक और सबसे दमदार चीज, देख रहे हैं उसका एक हाथी का बच्चा है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, हालांकि वो गंदा हो गया पर है आत्मा। अच्छी व्यू और यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यार बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहो। तो यहाँ पे अभी गेंडा भी अपने पानी में मग्न है, सो रहा है। दोस्तों आपने बंगाल टाइगर का नाम सुना ही होगा, जैसे आप और मैं आपको लाइव बंगाल टाइगर दिखा रहा हूँ, ठीक है एक मिनट वेट करो। और काफी अच्छे टाइगर है हमारे पास आया हुआ था, काफी टाइगर 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 श्रॉप नहीं टाइगर। तो भाई ये है बंगाल टाइगर,
हमारे पीछे जो कुछ भी है आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे यार डेली के डेली आते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करो इस वीडियो को और देखते रहो पूरा के पूरा। तो ये ताज़ी ताज़ी मछली है अभी यहाँ पे नीचे नीचे आपको दिख रही होंगी, तो जूम करके आपको दिखा दूँ। हाँ भाई दिख रही है, क्लियर क्लियर दिख रही है। और इसके लिए भाई एक लाइक कर दो। ये भाई अभी इन मछलियों को चारा खिलाया और ये भाई अभी इन मछलियों को खा जाएगा, अभी नहीं खाएगा घर जाके खाएगा। पानी में नहीं है, बाहर ही निकल के सो रहा है। इसने तो मुंह भी बाहर रखा है भाई, लग रहा है खा के एकदम गहरी नींद में। क्या खाया भाई, चावल खाया? चावल तो तुझे हजम नहीं होती होगी भाई, कुछ और खाया होगा। चल मुंह दिखा दे अपना। तो यार कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था, खाने नहीं पीने का मन कर रहा था, खाने का मन कर रहा था, बस वही कुछ ठंडा चिल हो रहा है। तो यार आज का दिन सारा यहीं पे ख़त्म हो गया, जूलॉजिकल गार्डन, काली घाट और बस ट्रैवलिंग। और भाई कमेंट करके बताओ तुम लोग किस जू में गए हो। बहुत ही क्यूट और स्वीट एक छोटा सा हरिन का बच्चा है यहाँ पे। आजा भाई, वो हिला रहा है, देख लो। यार आएगा नहीं, ये तो भाग रहा है, भागेगा कहाँ भाई। हम लोग उसे डर गया डर गए नहीं भाई, हम लोग डरा दिए उसको, बच्चे को जान लेंगे और इसलिए भाग गया। यही भागना चाहिए ना, गलत बात। तिवारी जी बहुत अच्छे आदमी है, फिर भी इनसे लुट कर भाग गया। यार चलो टाटा बाय बाय, बहुत कुछ हुआ यार, बहुत थक गया। और वीडियो कैसे लगी यार कमेंट करके बता देना यार, वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे नए मेहमानों से बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, सारे तो नए मेहमान ही है मेरे। सर तो आपका बनता है यार, अच्छे लगे तो दूसरों को भी दिखाओ।